नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल चले में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम NCERT हिस्ट्री कक्षा 8 के चैप्टर 5 के कंप्लीट नोट्स, उसके सारांश को समझेंगे, जानेंगे। तो आप जानते हैं, मैंने इस चैप्टर को पहले ही 2-3 वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिया है, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे स्कूल चले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो जो सबसे मुख्य बिंदु है, फर्स्ट बिंदु है, वो है नाना साहब के बारे में। तो हमने जाना कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये दंतक पुत्र रहते हैं, और 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी, और 1856 में इसे अपने कब्जे में अंग्रेजों ने कर लिया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 1849 में डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली से कहीं और बसाया जाएगा। और हमने इसे जाना कि बहादुर शाह जफर जो रहते हैं, अंतिम मुगल शासक रहते हैं, और उनके पुत्रों को उनके सामने ही हत्या कर दी जाती है, और उन्हें और उनकी पत्नी को रंगून भेज दिया जाता है, जहां कुछ ही वर्षों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1856 में कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे, और इनके वंशज को बादशाह नहीं बल्कि राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला, और हमने ये जाना कि ये समुद्री मार्ग से जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इन्हें इनकी जो मान्यता थी कि समुद्र पार करने से इनके धर्म को हानि होगी, ये स्थल मार्ग से जाना चाहते थे। तो जब इनका जो विद्रोह हुआ, तो 1856 में कंपनी ने नया कानून बनाया, और इन्होंने कहा कि जो सैनिक हो गए, जो सेना में जो सैनिक रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो उन्होंने ऐसा नया कानून पारित किया, बनाया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने, जमीन संपत्ति जुटाने की भी छूट इन्होंने दे दी। देखिए, 1850 में नया कानून जिसके तहत भारतीय ईसाई धर्म अपनाते हैं तो जो उनकी पुरखों की संपत्ति है उनसे बेदखल नहीं किया जाएगा, बल्कि जो उनकी पुरखों की संपत्ति है उन पर अधिकार जो है वो पहले जैसे ही रहेगा। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अफसरों पर हमला करने के कारण फांसी पर लटका दिया गया। तो ये पूछा जाता है कि कब मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो 29 मार्च को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया, और हुक्म ना मानने के कारण इन्हें 10-10 साल की सजा भी दी गई, और 9 मई 1857 की ये बात है। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ का जो जेल रहता है उस पर धावा बोल दिया, और अपने सिपाहियों को आज़ाद कराया। नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र रहते हैं बिरजिश कद्र, ये लखनऊ के रहते हैं, और इनकी माँ रहती है बेगम हजरत महल। वहीं मध्य प्रदेश में मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिक तैयार कर उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, और जो 1857 का विद्रोह था, उसकी जो स्थिति थी, उसके बारे में उन्हें अवगत कराया। बरेली के सिपाही थे बख्त खान, वहीं बिहार के जमींदार कुंवर सिंह, इन्होंने 1857 के युद्ध में हिस्सा लिया। अक्टूबर 1858 को बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी को रंगून भेज दिया गया।
और 1862 को बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस चैप्टर का जो अन्यत्र है उसमें आप टाइपिंग के विद्रोह को पढ़ेंगे। तो 1850 से शुरू होता है और 1860 के मध्य में जाकर यह जो विद्रोह है टाइपिंग विद्रोह वो ख़त्म होता है। हांग जिकुआंग का नेतृत्व इसमें रहता है और इन्होंने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया और यह बौद्ध और चीनी धर्म के खिलाफ थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए चीन और फ्रांसीसी सेनाओं ने मदद की थी। तो इस तरह से जो हमारा अध्याय 6-5 है आज यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट नोट्स अध्याय 6 को पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले। धन्यवाद।